हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष गुप्ता, आरके ऑफिशियल में आपका सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आपके सामने पहली क्लास क्लॉक की लेके आया था, आज दूसरी क्लास लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने कैलेंडर। कैलेंडर होता क्या है, कैलेंडर को पढ़ना क्या है। अभी तक कैलेंडर के बीएस वगैरह में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते थे, बट अब कुछ टाइम से लैंग्वेज के क्वेश्चंस कम कर दिए गए, बस थोड़ा सा बहुत आता है। जैसे पूछ लिया जाता है लिबर्ट्स की अवधारणा किसने दी, कैलेंडर को किसने बनाया, कब दिया गया, ये वगैरह वगैरह थोड़ी सी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो इन्हीं से हम स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर की शुरुआत की थी रोम के 13वें पोप जॉर्ज ग्रेगरी, किसने, रोम के 13वें पोप जॉर्ज ग्रेगरी, जिन्हीं के नाम पर आप कैलेंडर पढ़ते हो। अगर आप बोलते हो ना ग्रेगरियन कैलेंडर का अध्ययन करते हैं, तो वही बोला जाता है ग्रेगरियन। इन्हीं के नाम पर पढ़ा है जॉर्ज ग्रेगरी, इन्हीं का नाम रखा गया है ग्रेगरियन कैलेंडर। इन्हीं ने सबसे पहले लीप वर्ड्स की अवधारणा दी थी, सबसे किसने दी थी, जॉर्ज ग्रेगरी ने। इन्होंने बोला कि एक वर्ष में 365 दिन व 366 दिन होते हैं। जिस वर्ष में 366 दिन होंगे उसे कहा जाता है लीप वर्ष। बोले और पूरे वर्ष को 12 माह में बांटा, प्रत्येक माह का एक सीक्वेंस समान है 30, 29, 28, इस प्रकार से। जब भी जिस वर्ष में लीप वर्ष पड़ेगा वहां पर आपको मिलेगा 29 फरवरी लीप वर्ष। और एक साधारण वर्ष में फेब आपका 28 दिन का होता है, 28 फरवरी होती है। एक साधारण वर्ष आप में आपके पास 28 फरवरी फरवरी जो होती है ना वो 28 दिनों की होती है, और जो लीप वर्ष में फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है, 29 दिन और यहां पर 28 दिन। अब कैलेंडर की कुछ इकाइयां होती हैं छोटी छोटी, उनको जानना थोड़ा सा जरूरी है। जैसे कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई दिन, दिन के बाद आता है आपका सप्ताह, सप्ताह के बाद आता है पखवाड़ा या पाक्षिक, पाक्षिक के बाद आता है माह, माह के बाद आता है वर्ष। 365 या 366 दिन की समय अवधि को वर्ष कहते हैं। 28, 29, 30, 31 दिन के समूह को माह कहते हैं। पाक्षिक 15 दिन के समूह को पखवाड़ा या पाक्षिक कहते हैं। 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं, और 24 घंटे के समूह को दिन कहते हैं। ये हमारे पास छोटी सी इकाइयां थी, इसका कैलेंडर की अब शुरुआत करते हैं। वर्ष इसको दो भागों में बांटा गया है, गैर शताब्दी यहां पर शताब्दी वर्ष, गैर शताब्दी शताब्दी वर्ष। गैर शताब्दी क्या होता है, 1953, 1955। शताब्दी क्या होता है, बोले 100, 200, 300, 400, डॉट 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 एक की सी। वह वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाए शताब्दी वर्ष कहलाता है,
और गैर शताब्दी वर्ष ऐसा वर्ष जिसमें 100 से भाग ना जाए, क्या कहलाता है? गैर शताब्दी वर्ष कहलाता है। 1850 BC। अब इसको दो भागों में तोड़ा गया है, इसमें एक होता है साधारण वर्ष, दूसरा होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे 1933, 1917, 1605 ETC। यहां पर दिनों की संख्या होती है 365। लीप वर्ष की बात करते हैं, वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, जैसे 1952, 1992, 1732, 1640 ETC। दिनों की संख्या होती है 366, क्योंकि लीप वर्ष होगा जब जिस संख्या में हमने 4 से भाग दिया, और अगर वह पूर्णतः विभाजित होगा तो वहां पर दिन होंगे 366। वो एक मुझे फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा देगा, यानी 28 फरवरी की जगह उस वर्ष 29 फरवरी आएगी। अब बात करते हैं शताब्दी वर्ष की, इसको भी दो भागों में तोड़ा गया, एक होता है आपका साधारण शताब्दी वर्ष, वह वर्ष जो 400 से विभक्त न हो, जैसे 100, 200, 300। यहां पर दिन होते हैं आपके पास 300 के बाद 500, यहां पर दिनों की संख्या मिलती है 365। शताब्दी वर्ष यानी आपके पास साधारण शताब्दी आया, ये आएगा आपके पास लीप शताब्दी। लीप शताब्दी वह वर्ष जिसमें 400 से पूर्णतः विभक्त हो, जैसे 400, 800, 1600 ETC। दिन होते हैं यहां पर 366, यहां पर दिनों की संख्या 366 होती है। फिर से देखो एक बार, वर्ष को दो भागों में तोड़ा, एक शताब्दी वर्ष, एक गैर शताब्दी वर्ष। गैर शताब्दी वर्ष वह वर्ष जो 100 से विभक्त ना हो, अर्थात 1993, 1995, 1996, ऐसी कोई भी वर्ष, ऐसा कोई भी सन जिसमें 100 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त ना हो, वह हमारा गैर शताब्दी वर्ष कहलाता है। दूसरा आता है शताब्दी वर्ष, ऐसा वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, अर्थात शताब्दी वर्ष कहलाता है। आप लोग बोलते भी होंगे सेंचुरी, यानी 100 वर्षों का एक समूह है, उसी को बोलते हैं शताब्दी। उसके बाद गैर शताब्दी को दो भागों में तोड़ा गया है, प्रथम साधारण वर्ष, वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त न हो, हमारा गैर साधारण वर्ष या गैर शताब्दी वर्ष कहलाता है। इनमें में वर्ष जो भी होगा, जो भी दिया गया सन होगा, उसमें 4 से भाग देंगे, और अगर भाग नहीं जाएगा तो वो संख्या क्या कहलाती है? साधारण वर्ष कहलाती है। लीप वर्ष वह वर्ष जिसमें 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसा वर्ष जिसमें भी हम भाग देंगे और 4 से वो पूरी तरह कट जाता है, तो वह हमारा क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। और वहां पर दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 होती है। बात करते हैं साधारण वर्ष की, वह वर्ष साधारण शताब्दी वर्ष, वह वर्ष जो 400 से विभक्त ना हो, मतलब का 100, 200, 300, 500, 700, 900, 1100, 1300, इस प्रकार के जितने भी वर्ष होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? साधारण शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। 100 से तो विभक्त है लेकिन 400 से नहीं है, ये हमारा किस तरह से बिहेव करेगा? साधारण वर्ष की तरह काम करेगा, और दिनों की संख्या होती है 365। लीप शताब्दी वर्ष वह वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, वह कहलाता है लीप शताब्दी वर्ष, जिसमें दिनों की संख्या होती है 366। आगे चलते हैं, अब
अब हम बात करते हैं एक वर्ष की। जो भी कैलेंडर में जो भी टाइम है वो पूरा का पूरा एक वर्ष को लेकर है। 365 और 366 पर ही पूरा कैलेंडर टिका हुआ है। तो हम बात करते हैं कैलेंडर में एक साधारण वर्ष। एक साधारण वर्ष में दिन होते हैं आपके पास 365 और एक सप्ताह में 7 दिनों के बाद वही दिन आपको सर्कल की तरह रोटेट करने लगते हैं। जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर आ जाता है इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, फिर वही चीज आपको रिपीट करने लगता है। सेम यहाँ पर मैंने कहा जब यही 7 दिन रिपीट होते हैं और वर्ष में 365 होते हैं तो मैंने कहा क्यों ना इसी का भाग दे दिया जाए। जैसे ही 7 से भाग दिया तो मुझे मिलता है यहाँ पर 52 सप्ताह। कितने सप्ताह? 52 सप्ताह और एक विषम दिन। कैलेंडर में पूरा का पूरा खेला सिर्फ इस एक विषम दिन का है। जो भी मान आएगा जो भी काम होगा वो सिर्फ विषम दिन होगा, सप्ताह की मुझे कोई जरूरत नहीं। जो भी जरूरत पड़ेगी ना वो विषम दिन की। ये मेरे पास एक साधारण वर्ष की थी। अब बात करते हैं एक लीप वर्ष का। दिन होते हैं 366। मैंने कहा इसमें विषम दिन निकालते हैं। 366 में जैसे ही भाग दिया 7 का तो मिला 52 सप्ताह 2 विषम दिन। यहां पर 2, ये क्या निकली आप लोगों की? विषम दिन एक वर्ष में। एक वर्ष में विषम दिनों की संख्या निकली। इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, टेट हुआ, पुलिस का हुआ, KBS हुआ, सुपरटेट हुआ, इनमें पूछ लेता है कभी कभी। जैसे 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो उस प्रकार से आगे इसको चेक करते हैं। ध्यान रखना एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। अब हम बात करते हैं 100 वर्षों में। 100 वर्षों में विषम दिन चेक करते हैं। मैंने कहा 100 वर्ष में विषम दिन है। सबसे पहले इसमें ये देखो, जैसे ही मैंने कहा इसमें साधारण वर्ष कितने हैं और लीप वर्ष कितने हैं, मैंने कहा इसमें 4 से भाग दो, क्योंकि 4 से भाग देने पर ही मुझे लीप वर्ष पता चलता है। लीप वर्ष कब आता है? लीप वर्ष प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। प्रत्येक चौथा वर्ष आपका लीप वर्ष होता है। मैंने कहा इसमें सबसे पहले पता करो लीप वर्ष कितने हैं। मैंने कहा इसमें 4 से भाग दो। जैसे ही 4 से भाग दिया 100 / 4 25 टाइम्स गया, 25 लीप वर्ष और साधारण। मैंने कहा लीप वर्ष होते हैं 25, साधारण होंगे तो 75, ओवरऑल 100 वर्ष हैं तो ये 25 तो ये 75। लेकिन थोड़ी देर बाद ध्यान आया, बोला मैंने जो इसका 100वां वर्ष है उसको चेक करो जरा, ये क्या लीप वर्ष है? 100वां वर्ष, जैसे 100वीं साल आती है हम एक से काउंट करते हैं 100 टाइम्स 100 बार। जैसे मैंने 4 का भाग 100 में देते हैं 100वीं बार भी कट जाता है, बट वो लीप वर्ष ना होकर एक शताब्दी वर्ष की तरह काम करता है। जब मैंने ग्राफ बनवाया था वहां पर आपको लिखवाया भी है 100, 200, 300, 500, 700, ये साधारण वर्ष की तरह काम करते हैं। दिनों की संख्या 365 होती है और यहां पर मैंने 100वीं वर्ष को लीप वर्ष में जोड़ रखा है, अर्थात एक वर्ष माइनस, बोलो माइनस वन, अर्थात लीप वर्ष कितने मिले? 24। बोले जब यहां से माइनस होगा तो यहां पर प्लस होगा, ये आपके पास हो जाएंगे 76। साधारण वर्ष 76 और लीप वर्ष 24। अब रही बात विषम दिनों की, मैंने कहा विषम दिन निकालते हैं। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं और एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। यहां पर 76 में गुणा होगा तो 76, 24 में गुणा होगा 48, 24 दूनी 48, इन दोनों को जोड़ेंगे 124 विषम दिन। यहां पर 124 विषम दिन आया, हम इतना नहीं बोल सकते हैं। जैसे ही 7 से ज्यादा आता है, 7 आता है तो जो भी संख्या बचती है जो भी दिन आते हैं उसमें 7 से भाग दोबारा दे देते हैं, क्योंकि सप्ताह तो में दिन तो सिर्फ 7 होते हैं ना, तो 124वां दिन कौन सा होगा?
ये पता ही नहीं है, बोले सात ही दिन होते हैं वही आपको रिपीट करते हैं, बोले सात से भाग दो, सात या सात से ऊपर जब भी दिन निकले विषम दिन निकले उसमें सात से भाग देकर पुनः विषम दिन बनाते हैं, तो यहां पर निकलेगा आपके पास 17 सप्ताह, सप्ताह 5 विषम दिन, 100 वर्षों में कितने मिले 5 विषम दिन। आगे बात करते हैं, सेम बोले 200 वर्षों में, 200 वर्षों में मैंने कहा 200 को इस तरह से लिखो 100 × 2, तो 100 में आपको पता है 5 विषम दिन और 2, अर्थात टोटल कितने हो गए 10 विषम दिन। बोले 7 से ज्यादा आ गया तो 7 से फिर से भाग दे दो, बोलो 1 सप्ताह 3 विषम दिन, और इन्हीं का काम है 300 वर्षों में। इसको फिर से तोड़ लो, बोलो 100 × 3, बोले 100 में होते हैं 5 और 3 ये अर्थात 15 विषम दिन, और 15 में 7 से भाग फिर से लगा दो, बोलो 2 सप्ताह 1 विषम दिन। जितने भी दिन विषम निकल रहे हैं इनको कहीं नोट करके चलना, ध्यान रखना, क्योंकि यही आपके पूरे के पूरे कैलेंडर में सिर्फ इन्हीं का खेल है विषम दिनों का, बाकी हमें सप्ताह की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, कहां पर क्या करना है। अब बात करते आगे 400 वर्षों की, सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन, बोले 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 400 वर्षों में विषम दिन, 400 वर्षों में विषम दिन के लिए सबसे पहले आपको लीप वर्ष पता होना चाहिए। जैसे वो पूछता है 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, तो आपको पता है मैंने अभी निकाल के दिखाया 24 होता है, और यहाँ पर 400 है तो आपको कोई 24 का 4 टाइम मल्टीपल है तो 24 × 96 होना चाहिए, नहीं बट यहाँ पर 96 नहीं होता है। मैंने कहा अगर इस तरह से इसको लिखेंगे तोड़ के, मैंने कहा यहाँ पर 4 के भाग देंगे, यहां देखो ये निकले थे आपके पास 24 और ये निकले थे 76, 100 वर्ष में ये 400 है अर्थात ये 100 का मल्टीपल है, मैंने कहा 4 का मल्टीप्लाई तो 4 का मल्टीप्लाई, ये हुआ 24 × 96 और ये हुआ मेरे पास 304, यानी 304 वर्ष, और ये निकले लीप वर्ष, ये साधारण है और ये लीप है। अब बात करते हैं, मैंने कहा 24 × 96 पूरा हो गया, लेकिन तुरंत याद आया मैंने कहा ये 400 वर्ष जो है ना ये आपका लीप शताब्दी वर्ष है, मैंने बोला भी था वह संख्या जो 400 से पूर्णतः विभक्त हो जाए अर्थात वह क्या कहलाता है लीप शताब्दी वर्ष कहलाता है। जब ये लीप शताब्दी वर्ष है तो दिनों की संख्या 366 होगी, और अभी मैंने इसको साधारण वर्ष की तरह काम किया है तो मैंने कहा एक और जुड़ जाएगा अर्थात ये हो जाएंगे 97 लीप वर्ष, जब एक यहां पर बढ़ा है तो एक यहां से माइनस हो जाएगा, ये बचेंगे 303 साधारण वर्ष। आगे बात करते हैं, अब आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 400 वर्षों में 31 तारीख, 31 बार आई, बोले जैसे ये क्वेश्चन आया बोले 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी, तो मुझे तुरंत याद आया मैंने कहा एक वर्ष में 31 तारीख वाले माह 7 होते हैं, 30 तारीख वाले माह
चार होते हैं, 28 या 29 तारीख। माय एक होता है, इतनी बात क्लियर। अब उसने पूछा कि आपसे बोले 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी, तो मैंने कहा 400 वर्ष हैं, एक वर्ष में 7 बार 31 तारीख आती है, तो मैंने कहा 400 में गुणा कर दो 2800 बार। पहला क्वेश्चन सेम, दूसरा बोलता है इसी को 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर गलतियां बहुत होती हैं। बोले 30 तारीख, अब बात कर रहा है वो 30 तारीख की, तो मैंने कहा 30 तारीख कितनी आती है, 4 बार। जैसे ही 4 का गुणा किया बोले 1600 बार। ये 90% बच्चे गलत करके आते हैं। जैसे ही उसने बोला 1600 बार बोले गलत, टोटली गलत। बोले जैसे ही हमने 1600 में टिक लगाया आंसर हो जाता है गलत। बच्चे कहते हैं बोले 30 तारीख वाले 4 ही महत्व होते हैं और 400 में 4 बार, एक वर्ष में 4 बार आ रहा है तो 400 में बोले 1600 बार आता है, जो गलत। क्या जो 31 तारीख वाला माह होता है उसमें क्या 30 तारीख नहीं आती है? वो भी तो हमारा 30 तारीख वाला माह होता है, अर्थात साथ ये माह जो भी निकलेगा जनवरी, जैसे जनवरी 31 तारीख होता है, 31 दिनों का होता है, क्या उसमें 30 तारीख नहीं मिलती है? मिलती है, अर्थात 7 और 4 11, ये हो गए 30 तारीख वाले। जैसे ही 30 तारीख वाले आए बोले यहां पर मल्टीप्लाई करो, यही रहने दो भी 1600 बार, बोले जो कि गलत है, बोले 400 मल्टीप्लाई बाई 11।